तो लोग गजब स्पोर्ट्स एंड सो बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया विक्टर रॉड्रिगस का एंड विक्टर रॉड्रिगस एक्चुअली एक्चुअलीफ्ट विंग पोजिशन के प्लेयर है एंड इनका एज थर्टी टू काफी ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड लेफ्ट विंग में बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं एंड बहुत ही ज्यादा एक हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड लेफ्ट विंग के साथ साथ ये सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड एंड राइट विंग में भी खेल सकते हैं एंड इससे पहले इन्होंने एल एफ सी में खेला है उसके बाद सी एट एल में खेला लास्ट एक सीजन से वो फ्री एजेंट थे मतलब लास्ट सीजन उनके पास कोई क्लब नहीं था बट ओवर

टैलेंटेड प्लेयर है विनीत राय एंड मिडफील्ड को काफी ज्यादा स्ट्रेंदन करेंगे विनीत राय डिफेंसिव मिडफील्ड के प्लेयर है इनका एज ट्वेंटी फोर एंड मैं बोलूंगा लाइक यू नो पहले तो लोन डील था लास्ट सीजन अभी इसको प्रॉपर यू नो कंफर्म भी कर दिया गया है और पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ यू you नो know, विनीत राय को मुंबई में कैसा उनका मिल रहा था लास्ट से उनको बहुत ज्यादा प्ले टाइम तो नहीं मिला है बट हम सबको पता है कि काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है काफी बढ़िया प्लेयर है इंडिया के वन ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में से उनको कंसिडर किया जाता है एज भी सिर्फ ट्वेंटी फोर है एंड डिफेंसि मिडफीड में खैर अच्छे तरीके से खेल ही सकते हैं एंड सेंट्रल मिडफील्ड भी ठीक ठाक खेल सकते हैं बट लास्ट सीजन को इतना ज्यादा प्ले टाइम नहीं मिला था अब मुंबई में मैं पर्सनली देखना चाहता हूं बट मुंबई में अभी भी इस सीजन में उनको कितना प्ले टाइम मिलेगा इसको लेकर भी डाउट है क्योंकि डिफेंसिव मिडफील्ड में मुंबई के पास अहमद जाहू है अब उसके साथ कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी अपुया है मिडफील्ड एंड डिफेंसिव मिडफील्ड को संभालने के लिए बट वहां पर क्या डिसीजन लिया जाएगा ये पूरा यू नो कोच का स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है अब देखते हैं कि यू नो विनीत राय को मुंबई में कितना ज्यादा प्ले टाइम दिया जाता है जमशेदपुर की तरफ से तो जमशेदी करने बात करें मैक यू नो बेसिकली मार्क मैकनल्टी के साथ एंड मुंबई सीएससी के साथ ये रूमर था

में खेला है डुंडी यूनाइटेड में खेला है एंड यू नो सुंदरलैंड यू नो यूनाइटेड बड़े बड़े क्लब्स में खेले उन्होंने एंड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों में काफी सारा मतलब खेलने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास एंड uh, मैं बोलूंगा एक बहुत ही अच्छा साइनिंग होगा जमशेदपुर के लिए जमशेदपुर अभी कोशिश भी कर रहे हैं एंड uh, सिर्फ अगर हम लोग देख ले तो फॉरवर्ड नहीं सेंट्रल फॉरवर्ड के साथ साथ लेफ्ट विंग एंड एज स्ट्राइकर भी काफी आराम से खेल सकते हैं काफी ज्यादा हाई पे डिग्री के प्लेयर है अब देखते हैं कि यू नो ये फाइनली जमशेदपुर में आते या नहीं मुंबई से एफ सी कई तरफ से तो मुंबई से एफ सी करेंटली बात कर रहे हैं लियो बेपिस्टो के साथ एंड लियो बेपिस्टो जो कि एक यू नो ट्वेंटी नाइन रोल्ड बहुत ही ज़्यादा हाईली टैलेंटेड एक स्ट्राइकर है फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है बेसिकली एंड इन्होंने एथलेटिको को स्पेनियोल जैसे बड़े बड़े क्लब्स में खेला एंड अगर ये डील होता है तो डेफिनेटली सिटी फुटबॉल ग्रुप का काफ़ी बड़ा हाथ होगा क्योंकि ये करेंटली सेंट्रोज एफ सी में जो कि ब्राजील का टॉप ईयर के क्लब है एंड एज अ सेकेंड स्ट्राइकर ये मेनली खेलते हैं बट सेंट्रल फॉरवर्ड में खेल सकता है आराम से एंड एज अ यू नो राइट विंगर भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही ज्यादा हाई एक लेवल के प्लेयर है लाइक एथलेटिको मस्जिद में थे फिर स्पेनियोल डब्ल्यू एच जाल जो कि एक आप बोल सकते हो चाइना का काफी अच्छा ही क्लब है एंड यू नो रियल बेटिस राय वेलिंग विला रियल जैसे बड़े बड़े क्लब्स में खेला है तो एक्सपीरियंस बहुत इनके पास एंड एक बहुत ही ज्यादा कम का साइनिंग होगा यह मुंबई के लिए एंड अगर हम लोग परफॉर्मेंस का भी बात कर ले तो लाइक इनका परफॉर्मेंस अगर हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ लास्ट सीजन का बात करें तो 24 मैचेस में छह गोल किया है दो ऐसे जहां पे इनको प्ले टाइम ज्यादा नहीं मिला है हम लोग को पे

तो अडर टाइम्स ही होने वाले इस बार भी डोल्ड कप के टेलीकास्ट राइट उन्होंने पाँच साल के लिए खरीद लिया है तो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अड्डा टाइम्स में ही होगा डोरल्ड कप का यू you नो know, ते, मतलब टेलीकास्ट किया जाएगा अड्डा टाइम्स में एंड शायद सेमीफाइनल फाइनल सोनी में दिखा दिया जाए अब लाइक uh, डेफिनेटली like, uh, मतलब अच्छा टेलीकास्ट हो रहा है बट अड्डा टाइम्स के साथ मेन प्रॉब्लम है ये कि ये काफ़ी ज्यादा यू you नो know, एक बेंगाल सेंट्रिक ऐप है यहाँ पे लोग लाइक यू नो तीन के आसपास का कोई सब्सक्रिप्शन आई डोंट नो द प्रॉपर प्राइज बट लाइक लोग you know, उतना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे खरीदना। कुछ लोग तो, uh, you know, uh, like, you know, तो मुश्किल होगा मुझे लगता है पर्सनली you know, टीवी वाला कुछ होता तो वो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि अदर टाइम्स का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल देख रहे प्रॉपर्ली तो जो मिनिमम है वो थ्री नाइनटी नाइन से शुरू होता है एंड उसके बाद फाइव नाइन नाइन

थॉट्स आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना सबसे एडी बगान की तरफ से तो एडी के बगान ने साइनिंग जो डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे बोहा बैस्टन का वो फाइनली फेल हो चुका है हाँ एडी के बगान ने सीरियसली कोशिश किया था बट एक तो लाइक वो खुद आना नहीं चाहता है में इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है लाइक टाइम पीरियड काफी अभी अपने करियर के काफी अच्छे फॉर्म में एंड यू नो एंड इसी जगह में लाइक यू नो वो चार महीने के एक लीग में आना नहीं चाहते जो कि लाइक अगेन मैंने पहले भी काफी बार बोला है कि प्लेयर्स भी बड़े प्लेयर्स भी ये लाइक वो भी सोचते हैं क्या चार महीने हम लोग खेलेंगे उसके बाद क्या लाइक मनी ठीक है पैसा उनको मिल रहा है वो अलग बात है बट वो फॉर्म वो रिदम ना टूट जाए इसीलिए वो आना नहीं चाहते एंड सिर्फ पैसा उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा वहां पे भी उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है सो so, यहाँ पे सिर्फ बात पैसे का भी नहीं है लाइक आई में उनको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का पैसा मिल जाएगा ऐसा नहीं मोहन बगान डेफिनेटली काफी अच्छा खर्चा करेंगे एंड उनका टारगेट था कि रॉय कृष्णा को वो बूढ़ा बेस्टन से रिप्लेस करेंगे बट सैडली ऐसा हो नहीं पाया अब देखते कि यू नो

वैसे भी ज्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है अभी टॉटेन में क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में ने उल्टी किया है एंड सॉन खुद गिर गया क्योंकि काफी लाइक बोला जा रहा है कि रिपोर्ट किया काफी ज्यादा बड़ा पोर्टल है नहीं आप गूगल में सर्च करके खुद भी देख सकते हो बहुत बड़े बड़े न्यूज पोर्टल ने कवर किया बट वो काफी अलग बात है जिसमें बता दिया कि ट्रेनिंग में ऐसा हुआ एक इंसिडेंट

जुवेंटर्स में डेफिनेटली उनको प्ले टाइम मिलेगा जुवेंटर्स करेंटली हम सब देख ही सकते हैं सीरिया है, बहुत कॉम्पिटिव हो चुका है जो कि अच्छा बात है मुझे वो एक ही यू नो बुंडसलीग जैसा सिर्फ बैन मिनी की जीता जा रहा है वो देखने में कभी मजा नहीं आता एंड मैं लास्ट दो सीजन से ही एक्चुअली प्रॉपरली सीरिया का हर एक मैच देखता हूँ वरना इससे पहले से बड़े बड़े मैचेज ही हम लोग देखते थे बट रिसेंटली व्यूअरशिप भी काफी इम्प्रूव हुआ है सीरियाई का क्योंकि लाइक यू नो सिर्फ इटली का बात नहीं है इटली के बाहर भी यू नो एशिया में यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी सीरियाई को काफी ज्यादा देखा जा रहा है रिसेंट टाइम में क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है हम लोग को ही नहीं पता कि कौन जीतेगा तो जो प्रीमियर लीग के साथ, है, जो के साथ भी तो टू you know, लालीगा में बट तो तो, like, तो वो कौन होगा या फिर जरूरी नहीं है कि तीनों क्लब ही जीते भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देता है एंड यू नो देखने में अच्छा भी लगता है वैसे बट हाँ सीरिया काफी एक टैक्टिकली काफी अच्छा लीग है इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं है अब देखते कि यू नो पॉल पकबा ज्वेंटस में कैसा रहता है एंड क्या वो ज्वेंटस को सीरिया में कम दिला पता या नहीं